हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर लेगा। तो यहाँ पे ये बॉक्स है हमारे पास, कोई वुड्स कंपनी करके नाम से है। तो ये मार्केट में चाइना का जो है, बहुत ही अलग अलग ब्रांड में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सभी ब्रांड में चार्जिंग का प्रॉब्लम होता ही होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है, चार्जिंग की प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्योंकि इससे बॉक्स में चार्जिंग का प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से ये हमारे पास आया हुआ कस्टमर ने लेके और अपनी प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए। तो मैं यहाँ पे न्यू चार्जिंग पिन लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा और किस तरह से लगा सकते हैं, और SMD मशीन की इसमें ज़रूरत पड़ेगी या बिना SMD का भी लगा सकते हैं। तो दो टाइप का पिन आता है, मैं SMD वाला लगाऊँगा जो कि अच्छी क्वालिटी रहती है, बट SMD इस सब में SMD आप नहीं लगाएं तो ही सही होता है फ्रेंड, क्योंकि SMD जो चार्जिंग पिन है जो इसमें पहले से लगी हुई है, उस तरह का पिन लगाने से बार बार ख़राब होते रहता है। और इसके जगह में अल्टरनेटर पिन लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे वीडियो पहले से बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। हाँ, दूसरा बॉक्स का होगा, लेकिन चार्जिंग पिन का लगाने का तरीका जो है फ्रेंड सेम होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर चार्जिंग पिन लगा के दिखाता हूँ आपको। तो चलिए, यहाँ पे जो भी है कनेक्टर मैंने यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और जो भी कनेक्टर रिमूव करेंगे उसको इजीली एक कैमरा में फ़ोटो खींच लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में कनेक्शन करने में आपको फ्रेंड। तो मैंने कुछ इसी तरीके से कर लिया हूँ, और यहाँ पे हमारा जो ये पिन निकल चुका था, और यहाँ पर मैं न्यू पिन को स्टोर करूँगा। ये हमारा न्यू चार्जिंग पिन है, तो इससे चार्जिंग पिन को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड, हमारा जो है यहाँ पे SMD मशीन लिया, SMD मशीन में जो है 350 के आसपास में सेट करेंगे हीट को, और ज़्यादा सटाएंगे नहीं, और नॉर्मली SMD मशीन को सामने लेके जाएंगे और देखेंगे ज़्यादा हीट हो रहा है, तो फिर वहाँ से SMD को, जो मेरा गन है, उस गन को आगे पीछे करके यहाँ पे हीट करेंगे, ताकि हमारा जो है इजीली अच्छी तरीके से चार्जिंग पिन निकले और हमारा जो बोर्ड जले नहीं, ख़राब ना हो और हीटिंग ज़्यादा ना जाए, ताकि ख़राब नहीं होगा। तो ये आगे पीछे करके आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से ज़्यादा हीट ना करें, नॉर्मल हीट में चार्जिंग पिन हमारा जो है निकल जाए और हमारा सर्किट बोर्ड भी ख़राब ना हो। तो चलिए, मैं यहाँ पे हीट कर रहा हूँ, और ज़्यादा हीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगर एक दो स्टार्टिंग टाइम में आपसे प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं करनी होगा, मुझे भी सीखने में टाइम लगा है, तो आपको भी टाइम लग सकता है फ्रेंड। तो पुराना बोर्ड या स्क्रैप बोर्ड में आप सीख सकते हैं लगा के, और उससे आप अपना ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो बताने का था मैं बता दिया, और यहाँ पे इजीली चार्जिंग पिन को यहाँ पे लगाएंगे और इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इजीली बैठ जाएगा हमारा चार्जिंग पिन। और यहाँ पे पतली वाली सोल्डिंग आयरन से यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे फ्रेंड। तो हमारे पास मोटी है, लेकिन हम मेरे एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं किसी भी सोल्डिंग आयरन से, लगभग इतना मोटी सोल्डिंग आयरन से मैं यहाँ पे कर पाता हूँ, लेकिन आपके पास पतली वाली सोल्डिंग आयरन होना ज़रूरी है, इससे भी पतली, हमारा जो आयरन दिख रहा सोल्डिंग का, इससे पतली होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है और बाद में रिसॉल्व करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो हमारे पास लगाते लगाते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा फ्रेंड, जब खुद से नहीं करोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है कि आप इस पिन को इजीली लगा पाओगे, तो आपको कोशिश करना पड़ेगा, तभी जाके इस पिन को इजीली लगा पाओगे। तो इसके लिए SMD मशीन का ज़रूरत पड़ता है इस पिन को लगाने के लिए, इसीलिए मैं इस पिन को जल्दी से लगाता नहीं हूँ, और बिना SMD का भी यहाँ पे काम चल जाता है। तो बिना SMD वाला वीडियो देख लीजिएगा, और उससे आप अपना चार्जिंग पिन को इजीली लगा पाएंगे और अपना प्रॉब्लम को बिना किसी कठिनाई का सॉल्व कर पाएंगे। तो उससे चार्जिंग पिन का लगाने का वीडियो हमारे चैनल पर बना हुआ है, और जाके देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सोल्डिंग कर रहा हूँ एक एक पिन को, यहाँ पे टाका को मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ वीडियो में, लेकिन एक एक पिन है, चार पांच तो रहती है, तो
तो उस सारे पिन को इजीली सोल्डरिंग करेंगे और जिसमें 5 वोल्ट आएगा मल्टीमीटर से चेक करेंगे, जिसमें 5 वोल्ट आएगा वो तो है ही, लेकिन वहाँ पे चार्जिंग पिन में 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर 5 वोल्ट नहीं आएगा तो फिर काम नहीं करेगा। तो इस तरह का आप अपना चेकअप कर लीजिएगा और करने के बाद ही आप अपना यहाँ पे आगे बढ़िएगा प्रोसेस में। और देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया हूँ और देखिए अभी हमारा जो है चालू हो गया। तो पिन लगाते ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड चार्जिंग तो हमारा पिन बन चुका है। तो फ्रेंड आज का वीडियो यही था। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और इससे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है फ्रेंड, जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ऐसे रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए और इंटरेस्टिंग रिपेयरिंग को देखने के लिए जो कि क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, और फिर से एक नया वीडियो और इससे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं फ्रेंड।